आसमान इतना ऊंचा क्यों है? रात के 10 बजे थे, मिमी और राजू अभी तक सोने नहीं गए थे। वो अपनी माँ से सोने के समय की कहानी सुनने चाहते थे, तो मिमी और राजू की माँ उनके साथ बिस्तर पर लेट गई। ठीक है, फिर माँ ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। मैंने यह अपनी माँ से सुना था जब मैं तुम्हारी उम्र का था। कहानी क्या है? मिमी और राजू ने पूछा। सब उत्साहित है, यह आकाश के बारे में है, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप इसे सुनना चाहते हैं? ओह हाँ, उन्होंने कहा। माँ ने कहानी शुरू की। बहुत पहले हर कोई आकाश को छू सकता था। आकाश एक छत्र की तरह पृथ्वी पर फैला हुआ है। वो छोटे बच्चे के साथ खेलता था। उन्होंने उस पर गेंद फेंकी। उन्होंने गेंदों को वापस फेंक दिया। आकाश और बच्चे एक साथ खुशी से हंस पड़े। आकाश पृथ्वी के बहुत करीब था। सो गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दो, और जो कहानी आपको अच्छे लगे उसे एक लाइक दे दो। धन्यवाद दोस्तों।